आपने आर्मी ज्वाइन करी, आप कौन से कोर्स की? SSC W 103। तो और आपको पास आउट करे हुए कितना टाइम हो गया? अराउंड 1.5 ईयर। दो साल होने को आ रहे हैं। अबाउट कैसा रहा एक्सपीरियंस OTA का? बहुत अच्छा रहा। वी डेफिनेटली मिस दोस डेज। अच्छा, तो उसके बाद यू ऑप्टेड फॉर AD? यस। आपको AD मिला, आप यहाँ पे आए, और अभी आपने पूरी यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपकी चल रही है, आप बायोज हैं, अपना कोर्स कर रहे हैं, और जो भी आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वेपन सिस्टम्स में, कोई ऐसा रिग्रेट कि कोई और आर्म, कोई और सर्विस आप चूज कर सकते करी? एडी ही एक ऐसी यूनिट है जो कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट है, जो कि विमेन ऑफिसर्स को एक मौका देती है थोड़ा बहुत कॉम्बैट रोल को निभाने का। जी, तो इसलिए आपने एडी चूज करा। जी, आपने जब घर पे बताया होगा आपने कि आप फौज ज्वाइन करना चाहती हैं, तो घर पे कोई ऑब्जेक्शन इसको लेकर? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरे फादर ऑलरेडी आर्मी में थे। अच्छा, तो फादर आर्मी में, तो उन्होंने सपोर्ट करा आपको? वही, मेरे आप भी जाओ फौज में, उन्हीं की वजह से इंस्पायर हुई थी। उन्हीं की वजह से। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हिसार। हिसार की। कोई लोग ऐसे भी दोस्त हैं या आपके जूनियर्स हैं जो आपसे कहते हैं कि रितु क्या हो गया, आप फौज में चले गए, हमें भी जाना है, कैसे जाना है, तो दे आस्क फॉर टिप्स? डेफिनेटली गाइडेंस के लिए पूछते रहते हैं, बिकॉज एक यही एक प्रोफेशन है जिसमें ऑनर और साहस की चीज़ें आती हैं जो कि हर कोई इंसान पाना चाहता है। अच्छा,